अब आपने ये देखा है, कल इन्होंने हमारे कुछ मीडिया वाले जो हैं उन्होंने ब्रॉडशीट लेकर काफी प्रोपोगंडिया, खास तौर पे जो लंदन में 92 के बैठे हुए हैं उन्होंने, इसके अलावा दो चार लोगों और ने, पता नहीं उसने कहा है जी कि ऐसी बात ही कोई नहीं है, हम लोग दोबारा इसको केस को रिपुट कर सकते हैं अगर इमरान खान साहब कहें तो हम लोग, बल्कि उन्होंने दावा यह किया कि कुछ घंटे के बाद, क्योंकि रकम हमने लेनी थी ले ली थी, वो रकम हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको फलाही कामों पे खर्च, इस किस्म की खबरें चलाते रहे और साथ में ये भी कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ के जो मामला है वो इससे इसका कोई तल्लक नहीं है, वो वहीं का वहीं है, सारा दिन कल चलाते रहे। और आज उस वो बंदा जो है वो खुद मीडिया पे आया है, उसने बात की और उसने इनके हर चीज जो है कि वो रोल के रख दी है। क्या कहेंगे, एक तो गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम के टैक्स को 29.28 समथिंग मिलियन डॉलर, और अभी उनके कुछ बकाया जाता बाकी हैं, एक तो इतना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस वक्त अवाम का इस वक्त नुकसान करना, कोरोना के वक्त मुश्किल के वक्त में, और फिर ऊपर से झूठ पे झूठ चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन अगर हम इनकी तारीख देखें थोड़ी सी, तो आते साथ ही इन्होंने क्या क्या इल्जामात लगाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अखराजात के हवाले से तमाम बिल्स मंगवा लिए इमरान खान साहब ने वजीर आजम हाउस में घुसते हुए, और फिर उसके बाद उनको पता लगा कि चाय पानी के खर्चे से लेकर तमाम अखराजात मियाँ नवाज शरीफ अपनी जेब से पे करते थे, उन चीजों का तो उन्होंने बताया नहीं। फिर 557 के 50 बताया गए मुलाजमीन थे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीएट होता है, सेक्रेटरीएट के जितने ऑफिसर्स होते हैं उसमें ग्रेड 22 से लेके और नीचे जो ना क्लर्क तक होते हैं, और पूरा सेक्रेटरीएट जो ना वो वर्क कर रहा होता है, तमाम मिनिस्ट्रीज उसके अंडर चल रही होती हैं, ये झूठ चला। फिर उसके बाद देखिए करते करते इन्होंने एक ऐसा ब्लंडर मारा कि चाइनीज जो प्रोजेक्ट थे जो सीपैक से मुतल्लिक थे उनके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि इसमें भी इन्होंने किकबैक्स ली हैं। मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने वजीर वजरा के नाम लिए बाकायदा। उसके ऊपर क्या हुआ कि चाइनीज ने अपने एक सिस्टम है, जो उनका एक सिस्टम है जो उसमें उन्होंने तलब कर लिया कि किस तरह से हो सकता है कि हमारी कंपनीज जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने किन को किस किकबैक्स दी, किकबैक दी है, और ये इसके ऊपर जो ना उनकी तलबी हो गई और कंपनीज ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, और फिर उन्होंने इस बात पर पाकिस्तानी हुकूमत की तलबी कर ली कि तुम हमारा नाम दुनिया में बदनाम कर रहे हो, तुम क्या समझते हो कि तुम अपने पॉलिटिकल एजेंडों के लिए जो गंद घोलोगे उसमें हमारा नाम गंदा नहीं होगा। तो संदीला साहब अगर आप देखें तो आज और कल के अंदर जो कुछ हुआ है ये ऐसा ही हुआ है। ये सो लोग समझते हैं कि जो हम जिस तरीके से जिस रास्ते से हम घुस रहे हैं हुकूमत के अंदर और जो हम गंद घोल रहे हैं, जो हम गंदम में चीनी में और एनर्जी के अंदर जो हम करोड़हा रुपए के एवरी डे, करोड़हा रुपए के एवरी डे जो गबन कर रहे हैं, इसका कोई जवाब ले या ना ले, लेकिन इस टाइम में हमारा एजेंडा ये है कि हमने इतनी कीचड़ उछालनी है, इतना शोर मचाना है कि सब कुछ बीच में दबा रहे। तो आप ये देख लें कि मुसावी साहब ने आकर और हर बात को क्लियर किया है, इसलिए कि क्या ब्रॉडशील्ड के पास एक ही केस था? क्या उन लोगों के और कोई मामला हाथ नहीं है? क्या वो दुनिया की कंपनी है या एक ऐसी जेआईटी के स्टार की जो हीरे की अपने ही कजन की कंपनी जो कि वाहिद वाहिद उसका केस था और उसको करोड़ों रुपए बांट दिए गए, ना उसने आगे लेना ना देना, और इस तरीके की कंपनी थी? नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये तमाम चीजें जो ना हमारे सामने मौजूद है और उन्होंने अपनी वजाहत दी है, उनकी दुनिया में एक साक है, उसको संभालने के लिए वो इस तरह के जो एजेंडे या ब्लेम्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया के अंदर सरवाइव करना है और अगर इस तरह के इल्जामात रहेंगे तो वो नहीं कर सकते। तो ये वजह हुई है कि उन्होंने इस बात को क्लियर किया। आपको पता है कि चाइना में या चाइना की किसी जाना में आने में मीटिंग में मुराद सईद को बिठाते क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आते ही ये इस किस्म का एक इल्जाम लगाया था हसन इकबाल साहब वाली वाला, तो चाइनीज ने बड़ी सख्ती से मिनिस्टर से सुनकर कभी नजर ना आवे बंदा सानू। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इनके झूठों की जो लंबी लिस्ट है, हमें हाशमी साहब ने यूके से ज्वाइन किया है और यूके से इनको उठाने का, इनको बुलाने का, इनसे रिक्वेस्ट करने का, थोड़ा सा टाइम देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि यूके जेड़ा है ना वो मतलब कुछ भी हो जाए, अगर कुछ ना भी हो तो खबरों में रहता है, खास तौर पर लंदन, और जब से मियां साहब वहां पे हैं ये तो हो नहीं सकता कि हर रोज लंदन से कोई खबर ना आए। तो आप हमें हाशमी साहब ये बताएं कि क्या फ्रेश खबरें हैं वहां पे, क्या
में अल्लाह ताला की जात ने जो इज्जत पाकिस्तान के, मैं कह रहा हूँ नवाज के साथ साथ बाकी लोगों पे भी जो ये बनाया गया था, जो उन लोगों को इज्जत दी है, हुकूमत को रास क्यों नहीं आ रही है? ये 30 मिलियन का जुर्माना पेड करके बकाया जात वकीलों शीलों की फीसें डाल के उसके बावजूद भी झूठ पे झूठ चलाए जा रहे हैं, अवाम को धोखा दिए जा रहे हैं। बताएंगे आज की क्या अपडेट है लंदन की, हाशमी साहब? जी, सबसे पहले तो परवेज संदेला साहब, अरशद साहब, आपको मेरा बहुत बहुत सलाम और आपके नाजरीन को भी। सलाम। हाँ जी, माजरत को थोड़ा सा ज्वाइन करने में ताखीर होगी कि असल में आजकल वो लॉकडाउन की वजह से अपसाइड डाउन रूटीन हुई पड़ी है। दिन रात में कोई तकसीम नहीं रहेगी, तो तफरीक नहीं रहेगी, तो उसी वजह से जो ना वो सुबह देर तक जागते रहना और फिर बाद में गाय बगाय दोपहर में भी किस टाइम जो ना वो। तो गोइंग बैक टू व्हाट यू एक्चुअली आस्क, के लंदन हमेशा खबरों में रहता है। तो देखिए, ये एक जमहूरियत की जहाँ पे बोलबाला हो, जिन ममालिक में जहाँ पे आपको आज़ादी इजहार की कदगन ना हो उस पे, तो वहाँ पे हमेशा जो ना वो लोगों की राय, वहाँ पे लोगों की जो है आवाम की जो है चॉइस की, हमेशा जो ना वो की जाती है पासदारी, और उसकी जो सुप्रीम जी आवाज आ रही मेरी आपको? जी 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 आ रही आ रही है। हाँ जी, सॉरी, दरमियान में कॉल आ रही थी। अच्छा, इट्स ओके। बेसिकली जो आज जो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, देखिए मैं पिछले कोई 4-5 दिनों से एक सार के साथ आपको, जरा आपके और नाजरीन को बताता चलूँ कि जब से ब्रॉडशीट का मामला आया, कि जिसमें ब्रॉडशीट ने नैब की ये इस्तदा को, नैब के साथ मिलकर इस्तदा की थी लंदन हाई कोर्ट में, कि पाकिस्तान से हमने जो अपने पिछले को 18-20 सालों से जो वाजिबात हमारे अदा नहीं हुए हुए वो लेने हैं, तो उसके हमें जो ना वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को नैब ने कहा था आप उनको अपने साथ नथी कर लें, उनको बेच के अपना जो ना वो पैसे पूरे कर लें। तो वो केस जो है वो वहाँ पे लंदन के हाई कोर्ट में गया हुआ था, तो लंदन हाई कोर्ट ने वो गुज़श्ता महीने में उसको जो ना वो मुस्तरद किया है। मैं इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करता था, उनको जूते की नोक पे रख के जो ना इनके मुंह पे दे मारा। उसकी वजह यह है कि लाइक आई सेड बिफोर, कि यहाँ पे लोगों के जो है वो इस तरह जो सियासी किस्म के मोटिवेटिव किस्म के केसेस नहीं बनाए जाते। अच्छा, गोइंग बैक टू, उसके बाद प्रोपेगेंडा हुआ कि चंद जो आपको पता है यहाँ पे सहाफी जो होते हैं वो भी आप इनकी कोशिश होती है कि चलो यार हमें अगर एक्चुअल खबर जो मियाँ साहब की जो है, आपको पता है आजकल जो मियाँ साहब को बुरा भला कहना, उनको गाली देना, उनके खिलाफ खबरें देना, ये भी एक फैशन है, और बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो उनके जो है रोजी रोटी का जरिया ही है। कि देखें अल्लाह ताला की जो है वो जो कहने की तदबीर वो अलग होती है, मतलब कि उसके वो बेहतर तदबीर करने वाला कुरान पाक में भी है। तो अब हुआ बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने जब वो किया केस, तो वो हाईकोर्ट का फैसला